हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है वॉइस ओवर के साथ। होप सो आप सभी को पसंद आए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू इट। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ग्लो आर्ट के बारे में सुना होगा, इनफैक्ट देखा होगा, बट इसे बनाए कैसे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ग्लो आर्ट के ऊपर वीडियोज बनाए हैं, बट ऑलमोस्ट हर वीडियो में उन्होंने कहा है कि आपको पीसी, ग्रे शीट या फिर नियॉन कलर पेंसिल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि इजीली अवेलेबल नहीं रहते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्लो आर्ट कैसे बनाए बिना इन चीजों के, सिर्फ अपने मोबाइल के साथ। तो हम लोग मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी जो भी फोटो है उस फोटो को ओपन करना है। फोटो ओपन करते ही आपको फोटो की ब्राइटनेस लेवल है उसे कम करना है। इतना कम करेंगे कि जो फोटो के एरिया है, बैकग्राउंड जो है या फिर जो फोटो है वो ग्रे हो जाए, डार्क हो जाए। इसे करेंगे हम सेव। अब आ जाते हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आके आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ऑटोडेस्क स्केचबुक। ये ऐप आपको इंस्टॉल करना है। हम इसे करेंगे ओपन। ऐप ओपन करके आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, इम्पोर्ट इमेज पे क्लिक करने के बाद जहां पे भी आपका इमेज सेव है वहां जाके इमेज को ओपन करना है। थोड़ा सा सेट करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में जो टिक का आइकन है वहां पे क्लिक करेंगे। आप अगर लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप्स के ब्रशेस, टूल्स और टेक्सचर्स मिल जाएंगे। बट फिलहाल हमें बस ट्रेडिशनल सेक्शन में जो फर्स्ट वाली पेंसिल है उसकी जरूरत है। यहाँ जो नीचे डॉट है व्हाइट कलर का, इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। पेंसिल पे क्लिक करके आप अगर ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो ओपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और नीचे करोगे तो ओपेसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। वैसे ही अगर लेफ्ट में स्वाइप करोगे तो जो साइज है वो कम हो जाएगा, और राइट में करोगे तो साइज बढ़ जाएगा। कलर पैलेट पे क्लिक करके स्वाइप अप करोगे तो ल्यूमिनेंस है वो इंक्रीज होगी, और नीचे करोगे तो डिक्रीज होगी। फिलहाल हमें ल्यूमिनेंस से कुछ काम नहीं है तो हम इसे नॉर्मल रखते हैं। साइज को बढ़ा के ओपेसिटी को एवरेज रेंज तक बढ़ाते हैं, और एक लेयर लगा देंगे हर एक बर्ड्स पे। सपोज आपको अंडू या रीडू करना होगा तो डॉट पे क्लिक करेंगे नीचे वाले, और लेफ्ट वाले एरो पे क्लिक करोगे तो अंडू हो जाएगा, राइट वाले पे क्लिक करोगे तो रीडू हो जाएगा। एक लेयर लगा देंगे सेम कलर का हर एक बर्ड पे। ये करने के बाद आपको आपकी जो पेंसिल की साइज है वो कम करने हैं, जितना आप कर सके, जितना आप पॉसिबली हो सकता है आपसे उतना ही करना है, और जो ओपेसिटी है वो 100% पे रखना है। और जो भी बर्ड आप पहले सिलेक्ट करोगे इसे पूरी तरह से फिल करना है। ये करते वक्त बहुत ध्यान से करो, जो कलर है वो बाहर नहीं आना चाहिए वरना मैसी लगेगा जो इमेज है आपका। अगर आप ग्लो आर्ट फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से कुछ मत करो, पहले किसी एक रेफरेंस आर्ट ले लो या फिर किसी का कॉपी करो। अगली बार अगर ट्राई करोगे तो खुद से कुछ न्यू ट्राई करो, और अगर करोगे तो मुझे टैग जरूर करना इंस्टाग्राम पे, मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा।
ऐसे ही पूरी तरह फिल करना है, साइज बढ़ा सकते हैं आप। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो पसंद है और चाहिए होगी। ऐसे ही सारे पार्ट्स को हाईलाइट कर देंगे, फिल कर देंगे। फिल होने के बाद हम इसे हाईलाइट कर देंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वैसे करना, ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है। ज्यादा हाईलाइट करने से इमेज जो है वो मैसी लगेगी और ब्राइट लगेगी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। याद रखना अपना जो लाइट का सोर्स है वो एक ही साइड पे है, तो अलग डायरेक्शन में या अलग वे से लाइट नहीं आना चाहिए, तो एक ही डायरेक्शन से आप हाईलाइट करो। यहाँ पे हाईलाइट का जो सोर्स, लाइट का जो सोर्स है वो लेफ्ट साइड पे है, तो हम लेफ्ट साइड की जो साइड है वहां पे हम हाईलाइट करेंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, मैं आपको इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप ट्राई करोगे ग्लो आर्ट तो मुझे जरूर टैग करना अपने स्टोरी में @VAYArts को। याद रखना ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है वरना इमेज जो है आपकी ग्लो आर्ट है वो मैसी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। फाइनली कुछ डिटेलिंग्स दे देते हैं। अब इसे सेव करने के लिए आपको जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आइकन दिख रहा है वहां क्लिक करके न्यू स्केच पे क्लिक करना है। न्यू स्केच पे क्लिक करके कस्टम या अदर पे क्लिक करोगे तो सेव करंट स्केच का ऑप्शन आएगा, वहां क्लिक करके सेव हो जाएगी इमेज। आपको अगर अपनी इमेज मिले तो वही क्लिक करके गैलरी में जाओगे तो आपको इमेज अपनी मिल जाएगी, आपका आर्ट मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और जो नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है वहां क्लिक कर देना ताकि आपको
चैनल के अपडेट सबसे पहले मिले। मिलता हूँ आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।